नमस्कार आपुनी चाय आछे मिडडे 18 मैं जयंत माधव गोस्वामी गुवाहाटी देशर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुवा मा कामाख्या राखीक लोर पिछत एइखिनी मुहूर्त श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र सरकारी कार्यसूचीत अंशग्रहण कर देशर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूए केइबाटो प्रकल्प आधारशिला स्थापन करार लगते आन केइबाटो प्रकल्प इतिम्य मुकुलि करिछे आम अनुषान पुनपटिया सम्प्रचार एक मुहूर्त आगाम नमस्कार महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीपंडी द्रौपदी मुर्मू जी असम के महामहिम गवर्नर माननीय श्री जगदीश मुखी जी असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्व शर्मा जी असम सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर रनुज पेगू जी श्रीमती अजंता नियोग जी एवं विमल बोरा जी उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण देवों और सजनों हम सभी असम के लोगों के लिए यह अत्यंत गर्व और उल्लास का विषय है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया हमारे बीच है और आज इस पटल से उन्हें हमारे राज्य के लिए कई जनकल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मैं विशेष रूप से असम के चाय बागान समुदाय के लिए 100 आदर्श माध्यमिक विद्यालय के शिलान्यास पर उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं जो इस क्षेत्र के लाखों के बच्चों के स्वर्ण भविष्य के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए विशेष महत्व रखता है। वर्तमान में असम भारत के कच्चे तेल के उत्पादन के करीब 15% हिस्सा उत्पादित करता है। पूर्वोत्तर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार है जो आगे चलकर इस क्षेत्र के उज्जवल भविष्य का निर्णय करने की पूरी क्षमता रखता है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, आज आपकी गरिमामयी उपस्थिति में मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा उसके अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्यरत है। हमारा मंत्रालय के अंतर्गत अब तक नॉर्थ ईस्ट में करीब 1,00,000 करोड़ रूपये भी ज्यादा लागत की परियोजनाएं लागू करने का निर्णय लिया जा चुका है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के असम स्थित डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी रिफाइनरी में करीब कुल 1200 करोड़ रुपए की लागत से क्षमता बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। नुमलीगढ़ रिफाइनरी का करीब 28,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 गुना क्षमता वृद्धि का काम तेजी से चल रहा है। इसी के साथ नुमलीगढ़ में करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत से बंबू से इथानॉल बनाने वाला 2G बायो रिफाइनरी स्थापित करने का काम अब पूर्ण गति के करीब है। हमारे मंत्रालय और उसके अधीन आने वाले उपक्रम नॉर्थ ईस्ट के लिए संपूर्ण विकास का विजन तो रखते ही हैं, साथ ही उसे जमीन में एक्शन में तेजी से परिवर्तित भी कर रही है। इसका एक जीता जागता उदाहरण माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा आज उद्घाटन किया गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मोइनारबंद सिलचर स्थित अत्याधुनिक डिपो है। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह डिपो 55 एकड़ भूमि में स्थित है। इसकी पेट्रोलियम उत्पादों की भंडार क्षमता करीब 30,000 किलोलीटर है। यह डिपो असम के पूरे बोराक घाटी और त्रिपुरा मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोल डीजल इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। उदाहरण के तौर पर यह डिपो इस पूरे क्षेत्र का 43 दिनों की पेट्रोल की जरूरत और 29 दिनों की डीजल की जरूरत को बराबर का ईंधन भंडार कर सकता है। यह बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस डिपो से आसपास के राज्यों में स्थित अलग डिपो में भी उत्पादन की भेजने की व्यवस्था है। मैं इस डिपो के सफलतापूर्वक
निर्माण के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और विशेष रूप से असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं। उनके नेतृत्व में असम सरकार ने इस प्रयास में हर संभव सहायता दी है। मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने माँ कामाख्या की पवन भूमि में असम के आगमन से हम सबको अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए नई ऊर्जा और मार्गदर्शन मिला है। धन्यवाद। जय हिंद। केन्द्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली महोदय धन्यवाद जानाइछो। कर्मोद्यमी मुख्यमंत्री आमार अति आदर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा महोदय भाषण प्रदान करिबोले अनुरोध जानालो। ভাৰতৰ সন্মানীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানী, অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত পেট্ৰলিয়াম বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰা ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী, অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া সভাস্থলীত উপস্থিত সুধিমণ্ডলী, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন উপলক্ষে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানলৈ মই ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু মহোদয়াক আদৰণি জনাইছোঁ। আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় যে ৰাজ্যখনৰ বিকাশৰ যাত্ৰাক অধিক গতিশীল কৰি তুলিবলৈ মাননীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়া আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈছে। দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মানীয় পদ অলংকৃত কৰাৰ পিছত অসম ভূমিলৈ এইটো তেখেতৰ প্ৰথম ভ্ৰমণ। মই অসমবাসী হৈ মাননীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়াক পুনৰবাৰ এই পবিত্ৰ ৰাজ্যখনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাৰ আগমনে পবিত্ৰ অসম ভূমিৰ গৰিমা দুগুণ বৃদ্ধি কৰিছে। আপোনাৰ আগমনে আমাক আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ গৰ্বিত জনজাতীয় সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মাননীয়া মুৰ্মু মহোদয়া দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ইতিহাসত নজিৰ সৃষ্টি কৰি সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ অলংকৃত কৰিছে। জীৱনৰ অজস্ৰ ঘাত প্ৰতিঘাত সাহসেৰে মোকাবিলা কৰি আজীৱন জনসেৱাত নিস্বাৰ্থভাৱে আত্মনিয়োগ কৰা শ্ৰদ্ধাৰ মুৰ্মু মহোদয়া লক্ষ লক্ষ ভাৰতবাসীৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস। দেশবাসীক তেখেতৰ অসাধাৰণ জীৱন কাহিনীয়ে শক্তি আৰু সাহস দিছে। চাওতালী পৰিয়ালৰ কন্যা মুৰ্মু মহোদয়াৰ অসম ভূমিৰ সৈতে আছে এক দীঘলীয়া সম্পৰ্ক। পূৰ্বে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থান ভ্ৰমণ কৰি অসমখনক তেখেতে বুজি উঠিছে। আসামে মাননীয় মুৰ্মুজীকি উপস্থিতিকে ইজ গৌৰৱপূৰ্ণ অৱসৰ পৰ মে ৰাজ্য কো লোককে জীৱন মে চাই জনজাতি আদিবাসী সমুদায়কে যোগদানকে বাৰে মে বোলনা চাহুঙ্গা। আসাম মে চাই কি খেতি কা এক লম্বা ইতিহাস ৰহা হে। সিংফো সমাজ কে প্ৰমুখ সিংফো গাম ইয়া বিশা গাম নে সন 1823 মে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এজেণ্ট মেজৰ ৰবাৰ্ট ব্ৰুচকো পেহেলা চাই কা পৌদা তোফে মে দিয়া থা। তভি এংৰেজোকা আসাম কে জংগলো মে চাই কে পেৰো কা বাৰে মে পতা চলা থা। স্বতন্ত্ৰতা সংগ্ৰাম মে শ্বহীদ মণিৰাম দেৱান আসাম কে পেহেলে চাই কিষাণ থে। আসাম মে চাই কি খেত মে পেহেলে সিংফো দুসৰে কছাৰী তিসৰে নাগা আৰু চৌথে চিনি মজদুৰ কাৰিয়াৰত থে। বাদ মে বিহাৰ বাংগাল উৰিষ্যা
मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश आदि राज्य के विभिन्न हिस्सों से श्रमिकों को चाय बागान में लगाया गया था। सन 1911 में असम के जोरहाट में चाय प्रयोगशाला की स्थापन की गई थी। यही दुनिया की पहले चाय प्रयोगशाला है। सन 1838 के मार्च महीना में असम की चाय पत्तियों को पहला बार लंदन भेजा गया था। प्रत्येक समाज की अपनी निजी संस्कृति होती है। चाय जनजाति समुदाय की भी अपना अपना संस्कृति है। अपनी संस्कृति होने का बावजूद जनजाति समुदाय भी असमिया संस्कृति में शामिल हो गए हैं। चाय बागानों की संस्कृति में असमिया संस्कृति का प्रभाव रहा है। इसका कारण दोनों समाजों की संस्कृतियां एक दूसरे के संस्कृति के करीब आ गई है। चाय बागानों पर आधारित कोई असमिया फिल्मों का निर्माण किया गया है। असमिया गीतों और फिल्मों में चाय जनजाति आदिवासी समुदाय के संस्कृति का झलक मिलती है। सन 1956 में ही भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने चाय बागान के पृष्ठभूमि पर एराबतर खोर नाम से एक सिनेमा का निर्माण किया था। चाय बागान के ये पृष्ठभूमि पर ही डॉक्टर भूपेन हजारिका जी द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध सिनेमा है सामिली मैम साहब। चाय बागान के झुमुर गीत और नृत्य अब असमिया संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया है। असम के जनजीवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चाय जनजाति और आदिवासी समाज के विकास के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार चाय जनजाति और आदिवासी समुदाय की भविष्य की पीढ़ी में को शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है। आज के इस समारोह ने माननीय राष्ट्रपति महोदया अपने कर कमलों से ऐसी 100 मॉडल हाई स्कूलों की आधारशिला रखे। इस महान उद्देश्य के लिए इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन करते हुए हमें बेहद खुशी हो रहा है। हमारे राज्य में लगभग 70 लाख साई सनत जनजाति आदिवासी लोग निवास करते हैं। चाय बागानों के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बागान का अधिकारी उन्हें शुरुआत में कोई प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की थी। उनमें से अधिकांश विद्यालय क्लास 8 तक ही थे और पर्याप्त संख्या में उच्च माध्यमिक विद्यालय ना होने का कारण अधिकांश छात्रों ने अपने शिक्षा आधा में ही छोड़ दिया था। हमारी सरकार ने केवल एक वर्ष के भीतर ही 97 हाई स्कूलों की स्थापना की है। अन्य 22 हाई स्कूलों की जल्द ही चालू किया जाएगा। इस परियोजना के लिए हमारी सरकार ने 238 करोड़ रुपया का खर्च किया है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी सफलता पूर्वक पहल के कारण इन स्कूलों में 16,140 छात्रों ने प्रवेश लिया है। राज्य सरकार ने इन स्कूलों में 737 शिक्षकों को नियुक्त किया है। स्कूल के फर्नीचर और अन्य कार्य के लिए भी 20 करोड़ रुपया का खर्चा किया है। आज माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा चाय बागान में ऐसी और 100 आदर्श हाई स्कूलों की आधारशिला रखी गई है। यही विद्यालय साई जनजाति और आदिवासी समाज का नई पीढ़ी को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करेगा। इसी के साथ मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि राज्य के प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में चाय जनजाति आदिवासी छात्रों के लिए 3 सीट आरक्षित किया गया है। अर्थात 9 चिकित्सा महाविद्यालय में कुल 27 सीट उनके लिए आरक्षित किया गया है। हमारी सरकार का ये एक हिस्सा है कि आगे जाके हम 4 चाय बागानों में 1 हाई स्कूल का निर्माण करेगा और 15 हाई स्कूल का बीच टी गार्डन का बीच में 1 कॉलेज का हम लोग निर्माण करेगा और ये पूरा कार्यक्रम हम 2026 का आगे पूरा करेगा।
आज की इसी समारोह में माननीय राष्ट्रपति महोदय राज्य में 3000 नया मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया है। इस परियोजना की कुल लागत है 750 करोड़ रुपए। शिशु के मानसिक बौद्धिक और सामाजिक विकास में आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श केंद्र में परिवर्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। हमने राज्य में कुल 7000 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण करने का लक्ष्य लिया है। 25 लाख रुपया के व्यय से प्रत्येक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाएगा। राज्य में लगभग 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र हाल ही में खोले गए हैं। आज फिर 3000 ऐसी केंद्र का आधारशिला स्थापन किया गया है। अगले साल पुनः 2000 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाएगा। आज अहम तथा समग्र उत्तर पूर्वांचल विकास अनिरुद्ध गति यात्रा करिसे। माननीय प्रधानमंत्री डांगरिया दूरदर्शी नेतृत्व और उत्तर पूर्वर प्रति थका विशेष स्नेह अंचल उन्नयन नतून दिगंत सूचना करिसे। माननीय नरेन्द्र मोदी डांगरिया प्रधानमंत्री दायित्व ग्रहण करार समय राज्य बर्तमान 1515 किलोमीटर दीर्घर राष्ट्रीय घाईपथ निर्माण करा हुई। मोदी डांगरिया 8 बस कार्यकाल 9879 कोटी टका व्यय 1812 पथ प्रकल्प सम्पूर्ण करा हुई। तदुपरी 23492 कोटी टकारे रूपायण करा 894 किलोमीटर दैर्घ्यर पथ जोगाजोगर प्रकल्प काम राज्य चलि आसे। आनहाते यातायात खंडर उन्नयनर अविरत यात्रार अंश हिसाबे आज माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा केबाटाओ पथ प्रकल्प उन्मोचन करा हुई। 53 नং राष्ट्रीय घाईपथर शिलचर बदरपुर 4.15 किलोमीटर 2 लेनयुक्त पथ, 52 क राष्ट्रीय घाईपथर गहपुर हलंगी 10.8 किलोमीटर दैर्घ्यर 2 लेन पथ दूटा आज माननीय राष्ट्रपति महोदय मुक्ति कर। तदुपरी 37 नং राष्ट्रीय घाईपथर डिब्रुगढ़ जिलार लाहवाल सबुआ बैपास लेपेटकटार कान्दुलीबारी ग्रांडगांव और कान्दुलीबारी ग्रांटर नल निगुलिया पथचुआ 4 लेनयुक्त पथ उन्नीतकरण दूटा अभिलाषी प्रकल्प आधारशिला स्थापन करा हुई। এই প্রকল্পকেইটা রূপায়ণৰ ফলস্বৰূপে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ লগতে সুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সৈতেও পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থা অধিক সুচল হৈ পৰিব। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতৰ বিকাশৰ নতুন ইঞ্জিন হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ যাতায়াত খণ্ডত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আজি মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ে ৰেল খণ্ডৰ লগত জড়িত কেবাটাও ঐতিহাসিক পদক্ষেপর শুভারম্ভ করেছে। আজি মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয় মেঘালয়ের একমাত্র রেলওয়ে স্টেশন মেন্দিপথার নাগালেন্ডর নতুনক নির্মাণ করা চকুভি রেল স্টেশনের মাজত রেল সেবার ফ্ল্যাগ অফ করেছে। প্রায় 100 বছর বিরতির মূরত নির্মাণ করা চকুভি হয়েছে নাগালেন্ডর দ্বিতীয় রেল স্টেশন। নাগালেন্ড মে पहला रेलवे स्टेशन 100 साल पहले बनाया गया था। ये दूसरा रेलवे स्टेशन 100 साल का बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्माण किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय गुवाहाटी राति काखरिया आगियाथुरी एक अत्याधुनिक कार्गो काम कौशिक टर्मिनल निर्माण और आधारशिला स्थापन करिसे। ये पदक्षेपे हा सामग्री परिवहन सुव्यवस्थापन विशेष भाव सहयोग करिब। তৈল খণ্ডত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এক সমৃদ্ধিশালী ইতিহাস আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ প্ৰথম আৱিষ্কাৰ হৈছিল উত্তৰ পূৰ্বত। দেশৰ 18% তেল আৰু গেছৰ ভাণ্ডাৰ হৈছে উত্তৰ পূৰ্বত। আমাৰ অঞ্চলৰ হাইড্ৰকাৰ্বন খণ্ডৰ পৰ্যাপ্ত বিকাশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে নৰ্থ ইষ্ট হাইড্ৰকাৰ্বন ভিছন 2030 মুকলি কৰিছে। শক্তি খণ্ডত ৰাজ্যখনক স্বাৱলম্বী কৰা আৰু ডাউনষ্ট্ৰীম ইণ্ডাষ্ট্ৰি নেটৱৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাটো চৰকাৰৰ লক্ষ্য। তাৰ বাবে শিলচৰৰ মইনা বন্দৰত
ऑल इंडिया निर्माण कर राज्य 10 नम्बर डिपोट माननीय राष्ट्रपति महोदय शुभ उद्बोधन करिबो। ए डिपोए समग्र बराक उपत्यकार लगते सुबुरिया राज्य क्रमे त्रिपुरा मणिपुर और मिजोराम एनार्जी सिक्योरिटी सहाय करिबो। जुआ बानपानी आमी बराक उपत्यकात की धरणे पेट्रोल डीजल संकट होइसिल সেই সংকটৰ যাতে ভৱিষ্যতে উদ্ভৱ হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ততাতৈয়াকৈ বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজলৈ এই বিশেষ সুবিধা আগবঢ়াইছে। মে মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়কো হামাৰী চৰকাৰ দ্বাৰা লি গৈ কুছ বিকাশো কো কাৰ্য কা বাৰে মে জানকাৰী দেনা চাহতা হওঁ। হামাৰে চৰকাৰ গঠন সে অব তক 38,933 युवाओं को सरकारी रोजगार प्रदान किया गया है। साथ ही तीसरी और चतुर्थ वर्ग के करीब 26,000 पदों का नियुक्ति पत्र शुरू हो गया है। हमारा यही लक्ष्य है कि अगले 6 महीना के अंदर 1,00,000 युवा युवती को सरकारी खंड में हम लोग नौकरी का मुहैया करवाऊंगा। राज्य के राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों के उन्नयन के लिए कदम उठाया गया है। गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच ब्रह्मपुत्र पर एक 6 लेन युक्त पुल का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। इसके अलावा अन्य 2 पुलों का निर्माण के लिए भी कदम उठाया गया है। सरायघाट पुल के पास ब्रह्मपुत्र पर रेल और वाहनों की आवाजाही के लिए अन्य एक नया पुल के निर्माण के लिए भी केंद्रीय सरकार ने मंजूरी दिए है। हमारे सरकार ने ऐसे ही कोई सारे जन कल्याणमूलक काम कर रहा है। आज आमी गौरव अनुभव करूं जे आमार राज्य 19,00,000 परियाले प्रति माहर 10 तारीखे बैंक जुगे 1,000 टका कोई लाभ करिसिले। एई धनराशिर परिमाण जुआ 10 अक्टूबर परा 1,250 টকা লৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু 6,00,000 নতুন পৰিয়ালক এই আছৰি আমি সামৰি লম। মাইক্ৰো ফাইনেন্সে ঋণ লৈকে মুস্কিলো কা সামনে কৰনে ৱালি মহিলাক ৰাহত প্ৰদান কৰনে কে লিয়ে আসাম মাইক্ৰো ফাইনেন্স প্ৰোৎসাহন আৰু ৰাহত যোজনা কে মাধ্যমছে হামনে লগভগ 9,00,000 মহিলাক লাভান্বিত কিয়া হে। किसानों से 940 रुपया MSP पर धान खरीदने के लिए हमने कदम लिया था। इसमें राज्य के लगभग 43,938 किसान लाभान्वित हुआ है। आज उत्तर पूर्व के सभी उग्रवादी समूहों ने या तो हथियार डाल दिया है या बातचीत की प्रक्रिया में है। दशकों को बाद पहली बार केंद्रीय सरकार ने नागालैंड आसाम और मणिपुर की बड़े क्षेत्र से सेना की विशेष क्षमता अधिनियम आपसा को हटाया। हमारी सरकार दशकों पुराने आसाम नागालैंड आसाम मिजोरम आसाम अरुणाचल और आसाम मेघालय का जो सीमा विवाद है इसको भी सुलझाने के दिशा में आगे बढ़ा है। राज्य को नया पीढ़ी को ड्रग्स जैसे नशीली पदार्थ से मुक्त कराने का महत्वपूर्ण पदक्षेप लिया गया है। एक ड्रग्स फ्री आसाम बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहा है। पिछले वर्ष के मई महीना से अब तक असम पुलिस ने 900 करोड़ रुपया के ड्रग्स बरामद किया है और 6,808 ड्रग्स डीलर को गिरफ्तार किया है। असम तथा नॉर्थ ईस्ट के विकास यात्रा में आज का यही दिन सुनहरे अक्षर में लिखा रहेगा। आज राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से उद्घाटन किया गया यही परियोजना को इस क्षेत्र में विकास के गति में और तेजी देगा। मैं फिर से एक बार माननीय राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद देता हूं। इसी अवसर पर मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने पहले भी असम भ्रमण किया है। मैं आपको हमारी राज्य की प्राकृतिक संस्कृति और जीवन शैली को करीब से देखने के लिए एक बार फिर आसाम का चाय बागान और काजीरंगा को भ्रमण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपके आगमन से हम कृतार्थ होऊंगा। अंत में एक बार फिर राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद देते हुए और उपस्थित सभी लोगों को अपनी श्रद्धा पकड़ करते हुए मैं अपना भाषण को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
ইতিবাচক চিন্তাৰে সমাজক উদ্বুদ্ধ কৰিব পৰা বহুমূলীয়া ভাষণৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়। अब मैं असम के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया इस विशेष सभा को संबोधित करें। नमस्कार। Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu ji, Honorable Chief Minister Dr. Hemant Biswa Sarma ji, Union Minister of State for Petroleum Shri Rameshwar Teli ji, Dr. Ranuj Begu ji, Honorable Minister of Education, Shrimati अजंता नेयोग जी मिनिस्टर ऑफ वीमेन फॉर एंड चाइल्ड एनवायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ असम, श्री विमल बोरा जी मिनिस्टर ऑफ कल्चरल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ असम, अदर डिग्निटरीज रिप्रेजेंट ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सटेंड माई वार्म वेलकम टू ऑनरेबल प्रेजिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी टू अवर स्टेट। हाथर ऑन स्टील एने